आपकी बेटी कैसी हो? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया, फिट। वो मनोहर तुम्हें लेने स्टेशन तो ठीक टाइम पे आ गया था। हाँ आंटी बिल्कुल। इस बार बेटी तुम बहुत दिनों के बाद हमारे यहाँ आई हो। हाँ क्या करूँ अंकल, फुर्सत ही नहीं मिलती काम से। इस बार महीने भर के लिए आई हूँ, जी भर के आराम करूंगी। सुन लेना। लॉज में कोई गेस्ट है क्या? एक ट्रैकिंग ग्रुप था, कल ही चला गया। अब ये लॉज सिर्फ तुम्हारे लिए बेटी। अब यही खड़े खड़े बातें करेंगे कि अंदर भी चलेंगे। आरती बेटी थक गई होगी भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। यस आंटी। अर्जुन खाना लगा? हाँ। मनोहर सामान अंदर ले आओ। चलो, चलो। आओ बेटी, आओ, 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 आओ। और कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा आंटी। ये लो, भाप लो, इससे आराम आएगा। हाँ, फर्क पड़ रहा है? नहीं भाई, अभी क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। इन्हें दमे का दौरा पड़ा बेटी, डॉक्टर पांडे भी घर में नहीं है, इन्हें शहर ले जाकर अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। मगर मगर क्या अंकल? देखो ना बेटी, तुम आज ही यहाँ आई हो और इनको, अंकल आप भी, इन्हें हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है और आप मेरे बारे में सोच रहे हैं। चलिए जल्दी कीजिए, इन्हें हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी कीजिए। समझ बेटी, तुम्हें अकेला छोड़कर जाते हुए हमें अच्छा नहीं लग रहा है। आप मेरी चिंता मत कीजिए अंकल, आप आंटी के बारे में सोचिए। संभाल कर। यहाँ पे अर्जुन काका और मनोहर है ना? वो तो है बेटी, लेकिन गेस्ट हाउस में कोई रहने आ गया तो फिर क्या होगा? अंकल मैं बचपन से आती रही हूँ, मुझे सब मालूम है क्या करना है। मैं सब संभालूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है बेटी, आप आंटी का ख्याल रखिए। चलते हैं बेटी, आओ काली। तुम अपना ख्याल रखना बेटी। हां चलो, चलिए संभालो अपने आप। बेटा मनोहर, आंटी को अंदर बिठा। ला बेटा। चलो बेटे, जल्दी शहर पहुंचना बेटा। बस काम है, सब ठीक हो जाएगा। लिख लीजिए और यहाँ पे साइन कीजिए। जी रूम का किराया है 200 रुपए। कोई बात नहीं, फॉर्मेलिटीज कल सुबह होती रहेंगी।
ये लीजिए चाबी, आपका कमरा नंबर है 4 जी। इधर बाई ओर, बाई ओर बुढ़िया सामने है। बड़ा अजीब आदमी है, ठीक से बात भी नहीं कर सकता, और कपड़े कितने अजीब पहने हुए थे। नाम क्या लिखा है? अरे ये क्या लिखा है इसने? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और ये पेन तो पिघल गया, ये कैसे हुआ? कपड़ों से तो लगता था कि मोटरसाइकिल पर आया होगा। बाहर जाकर देखती हूँ। और मेम साहब को ट्रेन मिल गई है, लेकिन आप इस समय बाहर क्या कर रही हैं? वो अभी अभी एक गेस्ट आए हैं, कुछ बीमार सा लग रहा है। उसके कपड़ों और हेलमेट से लग रहा है कि वो मोटरसाइकिल पे है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मैडम हो सकता है कि उसकी मोटरसाइकिल खराब हो गई हो, या फिर ज्यादा चलने की वजह से वो थक गया हो। हाँ हो सकता है। अच्छा आपने उसे कमरा कौन सा दिया है? कमरा नंबर 4। कमरा नंबर 4, लेकिन मुझे तो उसके टॉवल और चादरें बदलने हैं। ओह तो जल्दी जाओ, कहीं वो सो न जाए। नहीं मैडम, अभी बहुत रात हो गई है, आप जाकर सो जाइए, मैं सब संभाल लूंगा। रूम के बेडशीट्स और टॉवल बदल रहा हूं। Oh, my God.
लगा आप? क्या हुआ? फ्यूज तो ठीक है, लगता है पावर गई है, सुबह तक आ जाएगी। तुम सो जाओ बेटी। अच्छा। अर्जुन काका? हाँ? मनोहर नहीं दिखाई दे रहा सुबह से, कहाँ गया? पता नहीं बेटे, वो अपने कमरे में भी नहीं है। कल रात जब से वो साहब और मेम साहब को छोड़ने स्टेशन गया ना, उसके बाद से लौटा नहीं। शायद बाहर हो, मैं देख के आता हूँ। कहाँ जा सकता है? जा रहे हैं? अच्छा तो मैं आपका बिल तैयार करती हूँ। एक्चुअली मैं अपने स्टीवर्ट मनोहर को ढूंढ रही हूँ। आपने उसे कहीं भेजा तो नहीं है? नहीं, लेकिन वो कल रात को यहाँ पे आया था ना? नहीं आया था? अच्छा पर ठीक है। ओ, वो चादरें और टॉवल बदलने के लिए आया था यहाँ पे, है ना? नहीं, नहीं आया था। तुम जाओ। अच्छा ठीक है, जाओ। ओके, मैं उसे कहीं और देखती हूँ। ठीक है, मनोहर की चेन है, ये कैसे पिघल गई? मनोहर रूम नंबर 4 में गया था, फिर भी वो आदमी झूठ क्यों बोल रहा है? आखिर कौन है ये अजनबी? ओह, काश अंकल और आंटी यहाँ होते। ये क्या हो रहा है? ये लाइट बार बार आती जाती क्यों है? ऐसा ही हुआ था। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। सुनिए, देखिए, मैं प्रोफेसर जगन हूँ। किरण नाम के एक आदमी की तलाश में हूँ। क्या इस नाम का आदमी यहाँ आपके? किरण नाम का कोई आदमी नहीं है यहाँ पे। वो अपना नाम बदल भी तो सकता है। देखिए, वो लंबे कद का और रंग गोरा है उसका। जी मैंने कहा ना, ऐसा कोई आदमी नहीं है यहाँ पे। उसे काले रंग का लेदर का जैकेट पहना हुआ, काला पैंट पहना हुआ, शायद उसे हेलमेट भी पहना हुआ। हाँ, हाँ, वो कमरा नंबर 4 में है। उस तरफ क्या आप उसे जानते हैं? ये रूम नंबर 4 वाले गेस्ट को जानता है, मुझे भी जाकर देखना चाहिए। मेरी बात मानो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। हट जाओ, मेरे साथ चलो। नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। मैं कहता हूँ मेरे साथ चलो। नहीं, देखा, तुम अगर किसी को छूते हो तो क्या होता है? तुम मेरी बात मानो। बचाओ, रुको, नहीं, बचाओ।
इन्हें क्या हुआ है डॉक्टर? इन्हें बहुत जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक लगा है जिनके कारण इनका हाथ जल गया है और ये मरते मरते बच गए। पहले वाला आदमी मरी। देखिए इनकी हालत बहुत बिगड़ती जा रही है और मुझे इन्हें जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना होगा। चलो चलो जल्दी चलो। हाँ बस संभाल के आराम से। आरती जी ये सब हुआ कैसे? ये सब कमरा नंबर 4 वाले गेस्ट ने किया है। उसका उसका पूरा चेहरा नीला है। चेहरा नीला है? क्या कह रही हैं आप? हाँ इंस्पेक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। उसका उसका चेहरा ही नहीं उसके उसके हाथ भी नीले हैं। कल रात को वो जब लॉज में आया था उसने उसने हेलमेट और ग्लव्स पहने हुए थे इसलिए मैं कुछ भी देख नहीं पाई लेकिन अच्छा उसका नाम और पता तो होगा ना आपके पास? ये इंसान का लिखा हुआ तो लगता नहीं। वो नहीं मिलेगा पुलिस को मेरी बात पर यकीन नहीं होगा। अरे ये तो रूम नंबर 4 की चाबी है। इसका मतलब वो आदमी यही कहीं है। ये तो डॉक्टर पांडे का घर है मगर वो तो यहाँ पर नहीं है। कौन हो सकता है? अरे दरवाजा तो खुला है और ताला भी टूटा हुआ है। देखिए मैं भी इसी सिलसिले में आया हूँ। मुझे बताइए कि कौन है वो आदमी जिसने मनोहर को इतनी बेरहमी से मारा है और आपका ये हाल क्या? इंस्पेक्टर वो आदमी मेरी बेवकूफी का नतीजा है। मैं एक साइंटिस्ट हूँ और 10 साल से रिसर्च कर रहा हूँ। उस दिन जब मैंने अपने साइंटिस्ट साथी को रिसर्च के बारे में बताया। प्रोफेसर इतने सालों से हमारा ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें पैसे दिए जा रहा है लेकिन हम ये तक नहीं जानते कि तुम रिसर्च किस चीज पर कर रहे हो। डॉक्टर जगत
आप हमेशा कहते रहे कि आपकी खोज साइंस की दुनिया में तहलका मचा देगी। क्या है आपकी खोज? आइए ये देखिए, ये देखिए, ये है मेरी सारी जिंदगी की मेहनत का नतीजा। मगर ये है क्या? बताता। और ये कुर्सी किसने? आप लोग तो जानते ही हैं कि इंसानी जिस्म के अंदर एक किस्म का इलेक्ट्रिकल करंट होता है। जब हम अपने दिल का ECG लेते हैं, दिमाग का EEG, उस वक्त उस करंट को मॉनिटर किया जाता है। और जब किसी इंसान के दिल की धड़कन रुक जाती है, उस समय उस धड़कन को वापस चलाने के लिए हम शॉक थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। और जब किसी इंसान की मौत हो जाती है, उस समय उसके जिस्म के अंदर का वो करंट गायब हो जाता है। ये बात तो बिल्कुल सच है। इसका आपकी खोज के साथ क्या ताल्लुक क्या है? ताल्लुक है जेंटलमैन, ताल्लुक है। यही तो मेरी खोज है। 10 साल की रिसर्च के बाद आज मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मैं एक मुर्दे के जिस्म से खोया हुआ इलेक्ट्रिक करंट वापस डालकर उसे जिंदा कर सकता हूं। मरे हुए इंसान को मैं जिंदगी दे सकता हूं। यानी इतने सालों से आप हमारे पैसे सिर्फ ये बताने के लिए बर्बाद करते रहे हैं कि आप एक मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं? हाँ, और मैं ये साबित कर सकता हूं। उसके लिए मुझे एक लाश की जरूरत है, जिसके लिए आपकी मदद चाहिए। प्रोफेसर जगन, मुझे लगता है आपको आराम की सख्त जरूरत। इतने सालों से रिसर्च करते करते लगता है आपका दिमाग खराब हो गया। आपने न सिर्फ हमें बेवकूफ बनाया है, बल्कि हमारे पैसे भी बर्बाद किए हैं। आप लोग मुझे एक तो मौका दीजिए, बस किसी तरह से एक लाश का बंदोबस्त कर दीजिए। मगर लाश लाए कहां से? अब हम हमारा अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। आपकी रिसर्च हमारे किसी भी काम की नहीं है, और आइंदा हमसे किसी भी मदद की उम्मीद मत रखिएगा। कमांडर जी, प्रोफेसर जगन, मैं आपको मदद जरूर करता, लेकिन इसके लिए आपको मेरे मरने तक इंतजार करना पड़ेगा। मेरा मजाक उड़ाने वाले इन मूर्खों को एक बार तो दिखा दूंगा कि मैंने जो कुछ भी कहा है सच हो सकता है। जरूरत तो है ही, यहां पर आसपास कोई नहीं है जिसने इस एक्सीडेंट को देखा हो। इसे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं और इस इंसान को वापस जिंदगी दे सकता हूं। करंट जाते ही ये जीवित उठेगा। नहीं पड़ा?
जाने के बाद भी कहीं सिस्टम में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? कनेक्शन सब ठीक है? इट्स ऑल वर्किंग देन ऐसा क्यों हो रहा है? इसे ज्यादा करंट की जरूरत लगती है। प्रोफेसर जगन, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम मुर्दे को जीवित कर सकते हो। तुम्हारी खोज बेकार नहीं है। इसका रंग नीला क्यों है? मैं दुनिया को बताऊंगा कि मैं मुर्दे को जीवित। मुझे होश आया तो एहसास हुआ कि मैंने जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने किरण को जिंदगी तो दे दी, पर वो एक शरीर है जिसमें आत्मा नहीं है। वो कुछ भी महसूस नहीं कर सकता। देखिए, आप भी उस लड़के की तरह बातें कर रहे हैं जो उस आदमी को नीले चेहरे वाला बताते हैं, और आप कह रहे हैं कि वो एक लाश है, मुर्दा है। वो नीला है क्योंकि उसके जिस्म में बिजली का करंट है। वो एक बिजली की नंगी तार है। उसे छूने का मतलब है मौत। इससे पहले उसे छूकर कोई और अपनी जान गवाए, हमें उसे ढूंढना चाहिए। आप जो भी कह रहे हैं वो सब सच कह रहे हैं प्रोफेसर साहब। मुझे मालूम है वो नीला आदमी इस वक्त कहाँ पर है। वो नीला आदमी अंदर है इंस्पेक्टर साहब। मैंने उसे यहीं पर देखा है। उसके उसके बदन से बिजली निकलती है। उसके छूने से टीवी चलने लगता है इंस्पेक्टर साहब। फैन घूमने लगता है। आपने इंस्पेक्टर सुना? आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा था। वो आदमी बहुत ही खतरनाक है। प्रोफेसर जगन, आप मुझे मेरा काम करने दीजिए। ये पुलिस केस है, मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। आप एक बार मुझे उसे मिलने दीजिए, शायद वो मेरी बात मान जाए। गोलियों से उस पे कोई असर होने वाला नहीं है। वो मर चुका है। उसे जिंदा रहने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ती है। आप पोजीशन सुनो, तुम जो कोई भी हो बाहर निकल आओ। मैं कहता हूं बाहर निकल आओ। यही वो नीला आदमी इंस्पेक्टर साहब, यही है वो आदमी। उसके नजदीक मत जाओ। चाप आगे बढ़ो, कोई होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। आगे बढ़ो। Thank you.
से गेटअवे लॉज यहाँ है। ये रास्ता जाता है महावीर नगर को। महावीर नगर में तो उसका घर है। मतलब वो? इसका मतलब उसे अपनी पिछली ज़िंदगी याद है। तो वो यहाँ से अपने घर बंदरा कोहिनूर बंगलों की तरफ गया होगा। मैं तुम्हारा डैडी। डैडी, डैडी, आपका नाम नीला कैसे पड़ गया? आप क्या बीमार हैं? आप मुझे बोलते क्यों नहीं? नहीं, नहीं बेटा, मुझे छूना मत। डैडी, मुझे मालूम था आप आएंगे। अब सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने इस बेटे को गले लगाना चाहता हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम देख चुके हो तुम्हारे छूने से क्या होता है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ प्रोफेसर, सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। मुझे मैं तो एक्सीडेंट में मर ही गया था ना। मुझे माफ कर दो किरण, मुझे माफ। तुमने मुझे फिर क्यों जिंदा किया? मुझे माफ कर दो, मैं भूल गया था कि प्रकृति के नियम के साथ खेलने का मुझे कोई हक नहीं बनता। अरे जिंदगी और मौत तो कुदरत के हाथ में है। तुम्हें जिंदगी देकर मैंने बहुत भारी भूल की है, मुझे माफ कर दो। ये भी कोई जिंदगी है? मैं अपने 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 बच्चे को छू भी नहीं सकता। जिसको भी छूता हूँ वो मेरे जूते में मर जाता है। प्रोफेसर, तुमने मुझे दानव बना दिया। दानव, मैं दानव बन गया हूँ।
किरण, 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 लेकिन ये नहीं पाती है। दूर रहिए। क्यों? आप मुझे इन्हें छूने क्यों नहीं दे रहे? दूर रहिए, इन्हें समझाइए। लेकिन किरण, किरण। जैसे जैसे बिजली का करंट कम हो रहा है, इनका शरीर कमजोर पड़ता जा रहा है, और जैसे ही बिजली का करंट खत्म हो जाएगा, इनका शरीर मर जाएगा। नहीं, नहीं, सब मेरी वजह से हुआ है। क्या कर दिया मैंने? देखिए, आप जरा एम्बुलेंस का बंदोबस्त कर दीजिए, प्लीज। क्या मैं अपने डैडी को एक बार छू सकता हूँ? नहीं बेटा, ना, ना। बहुत अजीब लग रहा है। मैं कमजोर महसूस कर रहा हूँ। किरण, आपको वापस जिंदा करके मैंने बहुत बड़ी भूल की। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।